हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू नॉट डू द फोर आईज नॉट कम टुगेदर। तो बेटा क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, ये जो वर्ड मिसिसिपी है, वर्ड मिसिसिपी, इसके लेटर्स को हमने यूज करना है। इसमें जो अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, हमें उनको यूज करना है और उनको यूज करके क्या करना है हमें बेटा, वर्ड्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? वर्ड्स। एक तो क्वेश्चन होता जो अभी तक हमने इस एक्सरसाइज 7.3 या 7.1 में पढ़े हैं, हमसे हमें ये दिया गया होता था कि मंडे कोई वर्ड है, इस मंडे वर्ड के अल्फाबेट से आप कितने फोर लेटर वर्ड्स बना सकते हो या कितने टोटल वर्ड्स बना सकते हो। टोटल मीनिंग अगर उसमें छह अल्फाबेट से छह अल्फाबेट्स को एलटीएम यूज करके, या इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे गए कि मंडे वर्ड के अल्फाबेट्स को यूज करके आप कितने ऐसे वर्ड्स बना सकते हो जो वॉवेल से स्टार्ट होते हो या जो पी एम से स्टार्ट होंगे और वाई से एंड होंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो बेटा कैसा क्वेश्चन, पहली बार ये जो बेटा मिसिसिपी वर्ड है ना, ये एक्चुअली यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्टेट का नाम है और उसी स्टेट में ये एक रिवर का भी नाम है, मिसिसिपी। ओके, तो चलो बेटा अपना काम शुरू करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मिसिसिपी वर्ड से आप कितने वर्ड्स बना सकते हो बाय टेकिंग ऑल एट अ टाइम, पहले इसमें काउंट करते हैं इसमें टोटल कितने अल्फाबेट्स है। इसमें बेटा 4 + 4 = 8 + 3, टोटल 11 अल्फाबेट्स है। आप कितने 11 अल्फाबेट्स का वर्ड बना सकते हो? जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, हम ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं बेटा लाइक दिस, एम, एक तो हुआ मिसिसिपी खुद ही एम आई, एक तो हुआ ऐसा वर्ड, या पर इन अल्फाबेट्स को कुछ है यहां वहां करके एम एस आई एस पी आई एस आई पी एस एस, कुछ दूसरा वर्ड बन गया ना, डिफरेंट वर्ड से बेटा। ओके, या कुछ ऐसे बना सकते हैं एम पी आई एस एस आई 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 एस एस पी, कुछ ऐसा। तो ये कुछ वर्ड्स से गए, या कुछ इस तरह से वर्ड्स बना सकते हैं बेटा हम यहाँ पे P I I I I S P S S S, कुछ ऐसा, या कुछ M, या कुछ M S R S P S S P, कुछ ऐसे वर्ड्स, या कुछ ऐसा बेटा S M P S S D S, कुछ ऐसा। क्या आप पहले ये बता सकते हो, ये जो यहां पे मैंने यहां पे थ्री वर्ड्स बनाए और यहां पे थ्री डिफरेंट वर्ड्स बनाए, इन वर्ड्स में क्या डिफरेंट है? इन तो तीन वर्ड्स और इन थ्री वर्ड्स में क्या डिफरेंस है आपस में, कोई बता सकता है? देखो बेटा ऑब्जर्व करने की बात है। पहले इन थ्री वर्ड्स की बात करेंगे। ये जो तीन वर्ड्स मैंने डिफरेंट बनाए, इन तीन वर्ड्स में भी जहां पे भी आए अल्फाबेट जो यहां पे है, जो जहां पे भी आए वो एक साथ आए। देखो यहां पे जहां पे भी, ये सेकंड प्लेस पे आए, लेकिन सेकंड प्लेस पे आने पे वहां फोर आईज कम टुगेदर, एक साथ है फोर आईज। यहां पे हमने इस जगह पे आईज को लिखा, लेकिन चारों के चारों आई एक साथ है। यहाँ पे इस वाले वर्ड में हमने चारों आईज को यहाँ लिखा, तो एक सब एक साथ है। यहाँ कुछ ऐसे बना सकते हैं एम एस पी एस एस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे। तो ये जो राइट साइड वाले वर्ड से बेटा, इनमें चार आई, जो फोर आईज है हमारे, वो जहां पे भी लिखे गए हैं एक साथ लिखे गए हैं। जैसे कभी कभार दोस्त होते हैं, समझो ये जैसे फोर फ्रेंड्स की तरह है, ये कहते हैं हम पिकनिक जाएंगे तो एक साथ, हम स्कूल नहीं जाएंगे तो एक साथ, समझे, हम स्कूल में बैठेंगे तो एक साथ, ये यहाँ पे इन चार वर्ड्स में दिखता है। यहाँ पे फोर आईज में क्या हुआ है, जहां पे लिखे गए हैं एक साथ लिखे गए हैं, लेकिन इन वर्ड्स में क्या किया गया है,
आई एक आई यहाँ पे, एक आई यहाँ, एक आई है तो यहाँ पे एक आई, मतलब एक साथ चार फोर आईज नहीं है इनमें, ऐसे समझ आ रहे हैं। तो यहां से ये पता चलता है बेटा, जो मिसिसिपी वर्ड है इसमें जो अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं, इन अल्फाबेट्स को हम यूज करके ऐसे भी वर्ड्स बना सकते हैं, कैसे वर्ड्स जिनमें फोर आईज एक साथ ना आए हो, और ऐसे भी वर्ड्स बना सकते हैं जिनमें फोर आईज एक साथ हो। तो हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, किस टाइप के वर्ड्स आने चाहिए, ये कहता है। अब ये बताओ मिसिसिपी वर्ड जो है इसके अल्फाबेट से आप कितने ऐसे वर्ड्स बना सकते हो जिनमें फोर आईज एक साथ ना हो, आप ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो जिनमें फोर आईज एक साथ ना हो, इन फोर फ्रेंड्स को हमें एक साथ नहीं रखना है, ऐसे कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं। दैट मींस हमें बेटा ऐसे वर्ड्स को ढूंढना है, ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं, तो इन वर्ड्स को हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। समझ आ रही बेटा बात, आपको बात समझ में आ रही है। ये है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ऐसे भी बन जाएंगे वर्ड्स, ऐसे भी बन जाएंगे, लेकिन हमसे पूछा गया है आप ऐसे कितने वर्ड्स बना सकती हो जिनमें फोर आईज जो है वो एक साथ ना आए। अब इस क्वेश्चन को कैसे, अब बेटा इन वर्ड्स को डायरेक्टली फाइंड करने के लिए कोई ऐसा तरीका है नहीं। देखो बेटा अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट हम ये फाइंड करेंगे बेटा मिसिसिपी के, मिसिसिपी वर्ड में जो अल्फाबेट्स यूज हुए हैं उनसे कितने टोटल वर्ड्स बनेंगे। टोटल वर्ड्स में ना बेटा ऐसे वर्ड्स जिनमें फोर आईज एक साथ हो या ना हो, और ऐसे भी वर्ड्स जिनमें एक साथ फोर आईज एक साथ हो गए ना टोटल वर्ड्स। ओके फाइंड कर दिए टोटल, फिर हम फाइंड करेंगे ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिनमें फोर आईज टुगेदर हो, जिनमें फोर आईज टुगेदर हो। समझ आ रही बेटा बात, फिर हम करेंगे इतने ऐसे कितने वर्ड्स इसमें बन सकते हैं जिनमें फोर आईज एक साथ हो, लेकिन क्वेश्चन क्या है आपको ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करने हैं जिनमें फोर आईज एक साथ ना हो। फिर क्या करेंगे बेटा, फिर टोटल वर्ड्स को हम माइनस करेंगे उतने नंबर ऑफ वर्ड्स जिनमें फोर आईज एक साथ हो, वहां पर क्या बचेंगे। जब हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को, जितने हमारे पास टोटल वर्ड्स बनेंगे उनको हम माइनस करेंगे उतने नंबर ऑफ वर्ड्स जिनमें चार आईज एक साथ हो, तो वहां क्या बचेंगे, ओनली बचेंगे ना बेटा वो वर्ड्स जिनमें फोर आईज एक साथ ना हो, तो वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बात समझ में आई, हम पहले फाइंड करेंगे कि टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे कि कितने ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिनमें चार फोर आईज एक साथ हो, फिर हम टोटल वर्ड्स में माइनस करेंगे क्या वो उतने नंबर ऑफ वर्ड्स जिनमें फोर आईज एक साथ हो, वहां जो रिमेनिंग रहेंगे वो वर्ड्स जिनमें फोर आईज एक साथ ना हो। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के रिलेटेड। ओके तो पहले देखेंगे हियर एन इज व्हाट, एन मीन्स बेटा टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन वर्ड मिसिसिपी इज 11, लेकिन इन 11 अल्फाबेट्स में से बेटा ये 11 के 11 अल्फाबेट्स डिफरेंट नहीं है। आप चेक कर सकते हो इनमें जो आईज है, आई कितनी बार रिपीट हुआ है, आई जो है बेटा हमारे पास वो 4 बार रिपीट हुआ है, और इनमें जो एस है बेटा एस भी कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है, और पी जो है वर्ड मिसिसिपी में वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार। समझ आ रही बात, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 11 है, लेकिन 11 अल्फाबेट्स में आई 4 बार रिपीट हुआ है, एस 4 बार रिपीट हुआ, पी 2 बार रिपीट हुआ। समझ आ रही बात, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द अल्फाबेट्स, फ्रॉम द अल्फाबेट्स और लेटर्स वी कैन से अल्फाबेट्स ऑफ वर्ड मिसिसिपी इज व्हाट बेटा, किसके इक्वल आएगा, टोटल कितने हैं 11, 11 में से कितनों को यूज करना, 11 को, वो हुआ एन 11 में से हमें 11 को चुनना है, लेकिन अपॉन में क्या आएगा,
जो हमने परमुटेशन का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया वो पढ़ाया कि अगर हमारे पास गिवन एन ऑब्जेक्ट्स हो लेकिन उन एन ऑब्जेक्ट्स में से पी ऑब्जेक्ट्स एक तरह के हो, मतलब सेम हो, क्यों ऑब्जेक्ट्स एक तरह के हो, तो हमें उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है जितने बार कोई उन ऑब्जेक्ट्स में रिपीट हुआ हो। देखो बेटा, इन 11 अल्फाबेट्स में आई कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड आएगा, मल्टीप्लर में आएगा। एस भी 4 बार रिपीट हुआ तो फिर से 4 फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लर में। टू भी 2 बार, सॉरी पी 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? 11 किसके इक्वल होता है बेटा? एन पी, एन किसके इक्वल है? एन फैक्टोरियल, तो ये आएगा 11 फैक्टोरियल, अपॉन में है बेटा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। देखो बेटा, ये है 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल कब से सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? इट विल बी इक्वल टू 11 टाइम्स 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 फैक्टोरियल। बिकॉज 4 फैक्टोरियल क्या है, क्यों नहीं कैलकुलेट करेंगे? बिकॉज नीचे हमारे पास 4 फैक्टोरियल अपनी जगह, इस वाले 4 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल हुआ है 2 टाइम्स। देखो 4 फैक्टोरियल से कटेगा बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ पे है 3 टाइम्स 2 हुआ 6, तो 6 6 से कटेगा। 4 टाइम्स 2 आएगा 8 बेटा, 8 8 से कटेगा। अब क्या हुआ, 11 टाइम्स 10 वो आएगा बेटा हमारे पास 110 मल्टीप्लाइड बाय 11 10 हो गया 110, 9 टाइम्स 7 कितना हुआ 63 टाइम्स 5 करेंगे, देखो बेटा 0 तो आएगा ही, 11 5 जा 55, 11 1 जा 11 5 6, 11 जा 33, 33 वो 34, ये आएगा बेटा 34,650। जो मिसिसिपी वर्ड है, इनके अल्फाबेट्स को यूज करके हम टोटल नंबर ऑफ कितने वर्ड्स बना सकते हैं? 34,650। ये ऐसे वर्ड्स है जिनमें 4 आईज एक साथ भी हो, ऐसे वर्ड्स भी इसमें है, और इस इन 34,650 वर्ड्स में ऐसे भी वर्ड्स है जिनमें एक 4 आईज एक साथ ना हो। अब हमें क्या ढूंढना है, उन ऐसे वर्ड्स को जिनमें 4 आईज एक साथ ना हो, लेकिन उनको ढूंढने से पहले हम फाइंड करेंगे ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स जिनमें 4 आईज एक साथ हो बेटा। अब देखो क्या करेंगे बेटा, हमारे पास टोटल है 11 अल्फाबेट्स, समझो हमें 11 वैकेंट प्लेसेस को फिल करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ये हमारे बेटा 11 वैकेंट प्लेसेस। अब देखो हम बेटा कैसे करेंगे इसको सॉल्व, हम करेंगे फाइंड ऐसे वर्ड्स जिनमें 4 आईज एक साथ आए। अब देखो बेटा 4 आईज से इट इज फर्स्ट आई आई आई, ये जो 4 वैकेंट प्लेस इसको हम अलग से डील करेंगे इसके साथ। जो रिमेनिंग हमारे पास कितने बेटा, रिमेनिंग हमारे पास 11 में से 4 आई को निकालो तो कितने बचते हैं, 7, हमारे पास रिमेनिंग 7 अल्फाबेट्स हैं। अब बता बेटा इन 4 आईज को, लेकिन क्या करना है, इनको हर बार एक ही जगह पे रखना है, मतलब ऐसा नहीं कि एक आई को यहां लिखेंगे दूसरे आई को यहां दूसरे आई को यहां, नहीं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 4 आईज को एक साथ रख रहे हैं। अब बता बेटा इन 4 आईज को कितनी बार रीअरेंज किया जा सकता है, रीअरेंज करने का मतलब बेटा अगर हम इनकी पोजीशन चेंज करें तो कितने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे, तो कितने 4 ऑब्जेक्ट्स है, 4 अल्फाबेट्स है हमारे पास, और चुनने कितने हैं, 4 में से 4 को चुनना है, तो वो हो गया 4p4, लेकिन अपान में क्या लिखेंगे इसकी बेटा, आईज क्या है, रिपीट हो रहे हैं ना, तो कितनी बार आई रिपीट हुआ, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। समझ में आ रही बात बेटा? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग चलेगा, बिकॉज टोटल हमें 11 लेटर्स का वर्ड बनाना है। अब देखो बेटा हमारे पास टोटल रिमेनिंग कितने अल्फाबेट्स है, कितने रिमेनिंग अल्फाबेट, 7, तो 7 अल्फाबेट्स है हमारे पास बेटा, लेकिन 7 अल्फाबेट्स को 7 7 में से 7 को चुनना है, तो आएगा बेटा 7 फैक्टोरियल, दैट इज 7p7, 7 में से 7 को चुनना है, जो रिमेनिंग 7 वैकेंट प्लेसेस रह गई उनको हमें फिल करना है 4 आईज को छोड़ के जो अल्फाबेट्स बचते हैं m4 टाइम्स spp से, दैट मींस 7 रिमेनिंग वैकेंट प्लेसेस को 7 अल्फाबेट से कितनी बार फिल किया जा सकता है, 7p7 वेज, 7 में से 7 को।
अपॉन में इसके भी लिखेंगे जो आई को छोड़ के है बेटा। एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, चार बार, तो 4 फैक्टोरियल इसके डिवाइड में भी आएगा। और क्या आएगा बेटा, इसमें पी रिपीट हो रहा है कितनी बार आया, रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। तो हम लिखेंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या ऊपर ऐसे लिखोगे समझने के लिए, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच, जिनमें क्या होगा बेटा, इन विच 4 आईज कम टूगेदर, जिनमें 4 आई एक साथ हो, एट्स इन 4 फ्रेंड्स को हमें अलग अलग नहीं करना है, इस किसके इक्वल आएगा बेटा। देखो पहले हम देखेंगे 4 आईज को, जब हम इनको एक साथ रखेंगे तो कितनी बार इसको अरेंज किया जा सकता है, 4 आईज में से 4 को सिलेक्ट करना है, वो है 4p4। अपॉन में क्या लिखना है बेटा, अपॉन तब लिखना होता है जब ये अल्फाबेट से, जब ऑब्जेक्ट रिपीट होते हो, बिकॉज आई 4 जो है रिपीट हो रहे हैं कितनी बार, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाइड बाय जो रिमेनिंग 7 वैकेंट प्लेसेस है, इनको फिल करना है 4 आईज को छोड़ के जो अल्फाबेट्स बचते हैं, विच इज एम, 4 times SPP, दैट इज 7 अल्फाबेट्स से। तो कितनी बार इनको फिल किया जा सकता है, 7 अल्फाबेट्स से 7 वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है। अपॉन में इसके भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, एस 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल आएगा, पी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल आएगा। देखो बेटा 4p4 होता है, 4 फैक्टोरियल सबको पता है, अपॉन में 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7p7 होता है बेटा 7 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या है 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है बेटा। अब देखो इसको सिंपलीफाई करेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल तो 1 आ गया, कैंसिल हो गया, 7 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, 7 times 6 times 5 times 4 फैक्टोरियल अपॉन में है 4 फैक्टोरियल को ऐसे मल्टीप्लाइड बाय 2 times 1, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से कट होगा, 2 1 2 3 3 5 15 15 7 7 7 15 7 35 7 105। तो बेटा कितने टोटल वर्ड्स बनेंगे, 1 सेकंड, हमने ठीक किया, यस, ऐसे कितने वर्ड्स टोटल बनेंगे जिनमें 4 आईज एक साथ हो, टोटल बनेंगे बेटा 105। 7 times 6 times 5 4 5 4 5 cancel, तो 7 times 2 3 5 21 5 5, यस ठीक है बेटा 105। ये 105 जो नंबर ऑफ वर्ड्स है, ये कैसे वर्ड्स है बेटा, ये वो वर्ड्स है जिनमें 4 आईज एक साथ हो। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आप ये बताओ इतने ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिनमें 4 आईज एक साथ ना हो। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है कि टोटल कितने वर्ड्स है जिनमें 4 आईज एक साथ हो या ना हो, और हमारे पास वो वर्ड्स भी है जिनमें 4 आईज एक साथ हो। हम अब हम जब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से माइनस करेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स जिनमें 4 आईज एक साथ हो, तो वहां क्या रिमेनिंग रहेंगे बेटा, वहां रहेंगे ओनली दोज नंबर ऑफ वर्ड्स जिनमें 4 आईज एक साथ ना होंगे। अब देखो बेटा, देयरफोर हम लिखेंगे लास्ट में आंसर, देयरफोर नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर। तो इतने नंबर ऑफ वर्ड्स जिनमें 4 आईज एक साथ ना हो, वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस क्या करेंगे, इनको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को माइनस करेंगे उतने नंबर ऑफ वर्ड्स जिनमें 4 आईज एक साथ आए हो, माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 4 आईज कम टुगेदर। वो क्या बेटा, विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास कितने थे, 34,650, माइनस करेंगे वो वर्ड्स जिनमें 4 आईज एक साथ थे, वो है बेटा 105। तो किसके इक्वल आएगा, 5, 4, 6, 5।
ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे बेटा टोटल जिनमें फोर आईज एक साथ ना हो, वो है 34,545। ये वो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन था हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या कि कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व, हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि ऐसे कितने वर्ड्स आप बना सकते हो मिसिसिपी वर्ड के अल्फाबेट्स को यूज करके जिनमें फोर आईज एक साथ ना हो। तो हमने क्या किया, हमने पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को फाइंड किया कि टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे उनमें चाहे फोर आईज एक साथ हो या ना हो। फिर हमने उतने वर्ड्स फाइंड किए जिनमें फोर आईज एक साथ आए हो। फिर जब हमने टोटल वर्ड्स में माइनस किए नंबर ऑफ वर्ड्स जिनमें फोर आईज एक साथ हो, तो वहां क्या बचे ऑनली नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच फोर आई डू नॉट कम टूगेदर। ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन देखो बेटा। एक्सरसाइज 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमिटेशनस एस वी लगा हुआ है बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विद टी एंड एंड विद एस, वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, देयर आर ऑलवेज फोर लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो बेटा क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, हमें जो परमिटेशनस वर्ड है इसके अल्फाबेट्स को हमें अरेंज करना है, लेट्स ऑर्डरिंग करनी है, मतलब इनकी इनके अल्फाबेट्स की पोजीशन चेंज करनी है। जब पोजीशन करेंगे अल्फाबेट्स की चेंज, तो हमें वहां न्यू वर्ड्स बन जाएंगे जिनको हम कहते हैं परमिटेशंस। दैट इज हमें फाइंड द नंबर ऑफ परमिटेशंस फाइंड करनी है। तो लेकिन इसके तीन सब पार्ट्स हैं, फिर एक वन बाय वन करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे बेटा, लेकिन फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम पहले लिखेंगे व्हाट इज द एन टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन द वर्ड परमिटेशन। देखो कितने बेटा, 4 + 4 = 8 + 4 = 12, दैट इज हियर एन इज 12, दैट्स एन इज 12। हमारे पास कितने अल्फाबेट्स है टोटल 12। अब देखेंगे 12 में से क्या कोई अल्फाबेट रिपीट तो मत हो रहा है, यस टी इज रिपीट, टी रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा 2 बार, और कुछ तो मत रिपीट हो रहा है आई थिंक, और कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो बस ओनली टी रिपीट हो रहा है। 12 है टोटल हमारे पास अल्फाबेट्स, 12 में से हमारे पास जो अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं वो है टी, कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार। अब देखो बेटा फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, आपको ऐसे वर्ड्स बनाने हैं, आपसे पूछा जा रहा है आप ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो जो वर्ड स्टार्ट किससे होगा अल्फाबेट पी से और एंड किससे होगा एस से। देखो बेटा हमें 12 लेटर का वर्ड बनाना है, 12 लेटर का वर्ड, समझ आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 से 10, 11 and 12 हमें 12 अल्फाबेट्स का वर्ड बनाना है। लेकिन ऐसे वर्ड जो स्टार्ट किससे होगा बेटा पी से, स्टार्ट किससे होना चाहिए वो पी से, चलो पी से, लेकिन एंड किससे होना चाहिए एस, ये कंडीशन है। हर वर्ड किससे स्टार्ट होगा अल्फाबेट पी से और एंड किससे होगा एस से। तो आप मुझे पहले बताओ जो फर्स्ट वैकेंट प्लेस है बेटा इसको कितनी बार फिल किया जा सकता, इसको किस किस अल्फाबेट से फिल किया जा सकता, इसको किससे फिल किया जा सकता ओनली पी से, लेकिन कितनी बार इसको फिल किया जा सकता है एक ही बार, बिकॉज पी कितने हमारे पास एक ही। अब देखो लास्ट वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है एक ही बार, बिकॉज इसको ओनली एस से फिल करना है, बिकॉज हमें पूछा गया है कि ऐसे वर्ड्स बनाओ जो लास्ट, जिनके लास्ट में क्या होगा एस, जिनके पहले क्या पी, तो लास्ट वैकेंट प्लेस भी कितने तरीकों से फिल की जा सकती। और इसी में लिखा गया है कि repetition is not allowed. Okay? Because कैसे पता चलता है कि repetition is not allowed? Because बेटा word arrange use हुआ है। मैंने जब मैंने permutation combination का पहला जो introductory lecture दिया था, वहाँ मैंने बताया था अगर कहीं पे selection use हुआ हो, तो आप समझ लेना कि selection से मतलब कि repetition is allowed. Sorry, ordering is not important. तो यहाँ अरेंजमेंट से क्या पता चलता है ऑर्डरिंग से इंपॉर्टेंट आंसर रिपीटेशन। चलो बेटा फर्स्ट वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है एक ही बार, लास्ट वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है ओनली एक ही बार, लेकिन अब परमिटेशन कॉम्बिनेशन परमिटेशन में यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। टोटल थे हमारे पास बेटा 12, अब 12 में से हमने 2 को यूज किया पी और एस को, तो अब हमारे पास कितने रह गए एन 10,
आर कितने हैं? आर मीन्स बेटा नंबर ऑफ वैकेंट प्लेसेस टू बी फिल्ड, जितनी वैकेंट प्लेस को फिल करना है वो है आर हियर, आर इज 10, बिकॉज 12 में से हमने दो वैकेंट प्लेस को फिल किया, अब हमारे पास वैकेंट प्लेस कितनी रहेगी 10, और 12 अल्फाबेट्स में से हमने दो अल्फाबेट्स को यूज किया पी और एस को, अल्फाबेट्स पे कितनी रह गई 10, समझ आ रही बात? अब बताओ मुझे इन 10 वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है, इनको हम इनको हमें फिल करना है 10 चीजों से, 10 अल्फाबेट से, फिल करने का मतलब परमिटेशन, अरेंजमेंट, ग्रुपिंग, ऑर्डरिंग, 10 में 10 से कितने को फिल करना है, कितने को सिलेक्ट करना है 10 को, तो 10p10, समझ आ रही बात? अब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे सिंस फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट एंड लास्ट प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन वन वे ईच, फर्स्ट एंड लास्ट वैकेंट प्लेस जो है उनको एक एक बार फिल किया जा सकता है, एंड रिमेनिंग है बीच वाली, बिटवीन 10 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज बेटा, कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी, 10 अल्फाबेट्स को यूज करके 10 वेज, 10p10 वेज, बट अपॉन में क्या लिखना है बेटा याद रखिएगा, जिनसे इनको फिल करना है वहां टी भी है, लेकिन टी जो है परमिटेशन वर्ड में दो बार रिपीट हो रहा है, टी दो बार रिपीट हो रहा है तो अपॉन में क्या आएगा 2 फैक्टोरियल वेज, तो लास्ट में लिखें देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सच वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स, कैसे वर्ड जो स्टार्ट पी से होंगे और एंड किस से, इस किसके बराबर, फर्स्ट वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है 1 मल्टीप्लाइड बाय, बीच वाली वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है 10p10 वेज, 10p10 हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, लास्ट वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है एक ही बार, अब इसको बेटा सॉल्व करो, 10 फैक्टोरियल हुआ 10 टाइम्स, 9 टाइम्स, 8 टाइम्स, 7 टाइम्स, 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल लिखेंगे बिकॉज नीचे 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल से कटेगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपका आंसर मिलेगा 1814400, इतने वर्ड्स हम बना सकते हैं परमिटेशन वर्ड के अल्फाबेट्स को यूज करके, वो जो वर्ड्स होंगे स्टार्ट पी से होंगे और एंड से, ये होगा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट का आंसर, इसका सेकंड, अब देखो बेटा एक्सरसाइज 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका सेकंड पार्ट का सोल्यूशन फाइंड करेंगे हम, सेकंड पार्ट का सोल्यूशन फिर से परमिटेशन वर्ड है बेटा, परमिटेशन वर्ड में एन है टोटल अल्फाबेट्स 12, इन 12 में से टी दो बार रिपीट हो रहा है, क्या कहता है सेकंड पार्ट, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, जो पिछला क्वेश्चन नंबर 10 है उसके रिलेटेड है टू सम एक्सटेंड, हमने उसमें जो सेकंड पार्ट निकाला था नंबर ऑफ वर्ड्स इन व्हिच फोर आईज आर टुगेदर, कुछ ऐसा ही है इस पार्ट में से, देखो बेटा क्या करना है, हमें वर्ड्स बनाने हैं इनको यूज करके परमिटेशन में जो परमिटेशन वर्ड में जो अल्फाबेट्स हैं उनको यूज करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, ओके 12 अल्फाबेट का वर्ड बनाना हमें, लेकिन क्या पूछा गया है, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, ऐसे वर्ड्स हमें बनाने हैं, वॉवल कौन कौन सा है पहले देखेंगे, वॉवल कौन कौन सा बेटा, वॉवल्स कितने हैं, वॉवल्स है इसमें हमारे पास एक तो है ई, एक तो है यू, एक तो है ए, एक तो है आई, ओ, ओ, दैट मींस 5 वॉवल्स है हमारे पास, 5, 12 में से 5 है वॉवल्स, ऐसे बनाने हमें बेटा वर्ड्स, पी ए ई आई ओ यू टी, और क्या है, एस है, टी है, एन है, और कोई बच रहा है, यस देयर इज आर, ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसा पी टी एस ई ए आई ओ यू टी एन आर, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अब ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो, कि कैसे, कि जिनमें जहां पे भी वॉवल्स आए वो एक साथ हो, वो अलग अलग ना हो, मतलब जस्ट लाइक 5 फ्रेंड्स की तरह ये हो, जहां भी आप वॉवल उसको लिखोगे एक साथ लिखोगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक वॉवल लिखा फिर फिफ्थ प्लेस पे एक वॉवल लिखा सेवंथ प्लेस पे एक वॉवल एट नाइन्थ
प्लेस पे दो वॉवल्स को लिखा, नहीं जहां भी आप वॉवल्स को लिखोगे एक साथ, लास्ट में रखोगे लेकिन एक साथ, पहले लिखोगे एक साथ, बीच में लिखोगे तो एक साथ। पूछा जा रहा है आप ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हम पहले समझेंगे जैसे ये पांच वॉवल्स है इनसे हम अलग से डील करेंगे, पांच वॉवल्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आप ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो जिनमें ये वाले एक साथ हो, ये वाले एक साथ हो, तो जिन को पूछा जाए कि ये अलग एक साथ हो उनको अलग रखो। ये ना फाइव, 12 में से 5 लिखे तो कितने बच रहे हैं, 7। हमारे पास अब 7 अल्फाबेट्स है, रिमेनिंग अल्फाबेट 7। 7 में से कितनों को यूज करना है, 7 वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है, तो आर भी कितना है 7। लेकिन इन 7 में से पी जो है, टी जो है दो बार रिपीट हो रहा है, वो अलग से। अब देखो बेटा इन 7 अल्फाबेट से, रिमेनिंग जो 7 अल्फाबेट से, एक है पी आर एम टी टी एन एंड एस है, इन 7 अल्फाबेट से हम कितनी बार इन सेगमेंट वैकेंट प्लेसेस को फिल कर सकते हैं, वो है 7 में से 7 पी 7 बेस अपॉन में क्या आएगा बेटा 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 टी जो है दो बार रिपीट है। इन 7 वैकेंट प्लेसेस को हम कितनी बार फिल कर सकते हैं 7 कंसोनेंट से, वो कितनी बार कर सकते हैं 7 पी 7 वेज अपॉन में 2 फैक्टोरियल, इसका कि टी दो बार रिपीट है। अब देखेंगे इन 5 अल्फाबेट्स को कितनी बार अरेंज किया जाए, बिकॉज हमने जब ए ई आई ओ यू लिखा हम लिख सकते हैं ई ए आई ओ यू तो बन जाएगा ना डिफरेंट वर्ड, या लिख सकते हैं यू ओ आई ए अलग से लिख सकते हैं। तो अब देखेंगे बेटा इन 5 वैकेंट प्लेसेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है यूजिंग दीज 5 वॉवल्स। हमारे पास है 5 वॉवल्स, कितने वैकेंट प्लेस को फिल करना, 5 को कोई में से रिपीट हो रहा नो, तो टोटल नंबर ऑफ इसके समझ आ जाएगा। तो देखो बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंस 5 वॉवल्स टुगेदर एक साथ कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, अरेंज्ड इन 5p5 वेज। 5 वॉवल्स को जब हम एक साथ रखेंगे उनको हम कितनी बार अरेंज कर सकते हैं 5p5 वेज, एंड रिमेनिंग 7 कंसोनेंट्स, रिमेनिंग 7 कंसोनेंट्स कैन बी arranged in how many ways, in 7p7 ways, but upon में आएगा बेटा 2 factorial, किसका 2 factorial आएगा कि उन 7 consonants में जो consonant t है वो दो बार repeat हो रहा है, तो 2 factorial कितने तरीकों से। therefore हम लिखेंगे total number of such words, ऐसे words कितने बनेंगे बेटा is, पहले लिखेंगे उनका 5p5 ways को कितना हुआ बेटा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड 7p7 कितना होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब इसको बेटा आप सॉल्व करोगे 5 फैक्टोरियल हुआ बेटा हमारा 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 मल्टीप्लाइड 7 फैक्टोरियल 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, बिकॉज अपॉन में 2 फैक्टोरियल है, ये 2 फैक्टोरियल से कटेगा। जब आप बेटा इनको सॉल्व करोगे एदर यूजिंग मल्टीप्लिकेटर और वट एवर, तो ये आएगा बेटा बराबर किसके 2419200 के इक्वल। दैट मीन्स हम इतने वर्ड्स बना सकते हैं जिनमें 5 वॉवल्स एक साथ हो गया बेटा। अच्छा अब देखो बेटा एक्सरसाइज 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका थर्ड पार्ट का सोल्यूशन पाएंगे। कहता है देयर आर इंस परमिटेशन वर्ड के अल्फाबेट्स को यूज करके आपको बनाने हैं वर्ड्स, लेकिन इस कंडीशन को फॉलो करके। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। अब देखो बेटा हमें बनाना है 12 अल्फाबेट्स का वर्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, 12 अल्फाबेट्स का हमें वर्ड बनाना है। लेकिन क्या कहता है बेटा, हर बार जो आप 12 अल्फाबेट्स का वर्ड बनाओगे हर बार पी और एस अल्फाबेट जो है इनके बीच में 4 अल्फाबेट्स रहने चाहिए, जैसे कि कुछ इस तरह के वर्ड्स। देखो बेटा किस तरह के, पी ई आर एम यू, लेकिन यहां पे एस लिखना है। क्यों लिखना है एस, बिकॉज पी और एस के बीच में कितने अल्फाबेट्स रहने चाहिए, ऐसे। फिर आप आगे कुछ भी लिखो टी ए टी आई ओ एस,
कुछ भी लिखो, मुझे नहीं पता क्या लिखूंगा। यहाँ कुछ इस तरह से पी आर एम यू, यहां भी अगर सॉरी नॉट पी हियर, आर एम यू टी पी, यहां पे भी लिखा ना। अब पी अब एस लिखोगे आगे तो पी और एस के बीच में क्या रहना चाहिए, चार अल्फाबेट, आई ओ एन, को बच रहा ए बच रहा और एस, कुछ इस तरह के। जब भी आप पी और एस लिखोगे कहीं पे तो पी और एस के बीच में कितने अल्फाबेट्स एवरी टाइम रहने चाहिए, चार। अब ऐसे कितने वर्ड्स आप बना सकते हो, देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे। से हमने, से बेटा हमने पी को यहां पे लिखा, सपोज हमने पी को फर्स्ट प्लेस पे लिखा, तो फिर एस कहां पे लिखना है, वन टू थ्री फोर, फोर अल्फाबेट्स, फोर वैकेंट प्लेस को छोड़े, फिर एस यहां आएगा, समझ आ रहेगा। तो कहता है ऐसे आप कितने अल्फाबेट्स बना सकते हैं। अब आप समझो जो हमारे पास 12 अल्फाबेट्स थे, 12 अल्फाबेट्स में हमने पी और एस को फॉर टाइमिंग छोड़ दिया, तो फिर कितने रह गए हमारे पास अल्फाबेट्स, 10 अल्फाबेट्स। बिकॉज अगर आप पी और एस यहां पे ही रखोगे, यहां आर की जगह टी लिखोगे, यहां टी की जगह आर लिखोगे, तो डिफरेंट बन गया ना वर्ड। या आपने एम की जगह यहां पे एन लिखा और यहां पे लिखा एम, तो डिफरेंट हो रहा है ना। पहले हम देखेंगे पी और एस को छोड़ के हम जो रिमेनिंग हमारे पास 10 अल्फाबेट्स है उनको हम कितनी बार अरेंज कर सकते हैं, ऑर्डरिंग दे सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, समझ आ रही बेटे बात। तो रिमेनिंग जो 10 अल्फाबेट्स है, रिमेनिंग 10 अल्फाबेट्स से कितने वैकेंट प्लेस को हमें फिल करना है, 10 को, बिकॉज पी और एस से तो हम दो ही वैकेंट प्लेस को फिल कर सकते हैं। जो बाकी के 10 अल्फाबेट्स हमारे पास बच रहे हैं उनसे हमें कितने अल्फाबेट्स को, कितने वैकेंट प्लेस को फिल करना है, 10 को। तो 10 अल्फाबेट से 10 वैकेंट प्लेस को इतनी बार फिल किया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा उन 10 अल्फाबेट्स में टी जो है दो बार रिपीट हुआ तो दो टू फैक्टोरियल आएगा, आई बात समझ। लेकिन बेटा अब हम देखेंगे पी और एस की जो पोजीशन है इसको कितनी बार चेंज किया जा सकता है, पी और एस को कितनी बार अरेंज किया जा सकता है। देखो बेटा किसने कहा कि पी को पहली बार लिखेंगे फर्स्ट वैकेंट प्लेस पे लिखेंगे और सेकंड को एस पे, ऐसा भी हो सकता है ना, हम P को सेकंड वैकेंट प्लेस पे लिखेंगे फिर उस टाइम S को कहाँ पे रखना है। अगर P को यहाँ पे लिखा लिखे P1 थोड़ा डिफरेंट बनाओ, तो P और S के दरमियान कितने वैकेंट प्लेस बचनी चाहिए, 1 2 3 4, तो फिर S1 को यहाँ लिखना है। हम P को बेटा थर्ड वैकेंट प्लेस पे लिख सकते हैं तो S को फिर यहाँ पे लिखना है, बिकॉज P और S के बीच ऑलवेज कितने वैकेंट प्लेस रहनी चाहिए, 4 1 2 3 4। तो P को तो यहां भी लिखा जा सकता है बेटा, तो फिर हम यहां भी कर सकते हैं, P को यहां भी रख सकते हैं तो S को यहां लिखेंगे, P को फिर यहां लिखेंगे तो S को यहां लिखना है, P को जब यहां लिखेंगे तो S को यहां लिखना है। समझ आ रही है बेटा बात, कितना हुआ P1 P2 P3 P4 P5 P6 और P कितना हुआ, 7 वेज हम कर सकते हैं P और S की पोजिशन को चेंज। लेकिन और एक बात, क्या क्वेश्चन में लिखा है कि पी ही पहले आना चाहिए एस बाद में, जब पी और एस को 7 बार रीअरेंज कर सकते हैं, तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं ना, पहले एस को ही लिखेंगे बाद में पी को, 1 2 3 4 ऐसे एस कितनी बार रेंज कर सकते हैं, 7 बार 7 + 7 कितना हुआ, 14 वेज। बात समझ में आ रही है बेटा, पी और एस की जो हम पोजीशन टोटल कितनी बार हम उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, 2 × 7 व्हिच इज 14 वेज। और रिमेनिंग 10 अल्फाबेट्स को हम कितनी बार अरेंज कर सकते हैं, 10 पीटी अपॉन में 2 फैक्टर वेज। तो यहां लिखेंगे सिंस रिमेनिंग अल्फाबेट्स That is except किस किस को छोड़ के, except P और S को छोड़ के, can be arranged in how many ways बेटा, 10 P 10, 10 बच रहे थे ना P और S को छोड़ के, अपॉन में क्यों आएगा 2 factorial, because उन 10 अल्फाबेट्स में जो T है वो दो बार रिपीट हो रहा है, इतनी बार उनको अरेंज किया सकता है। एंड P कमा S can be arranged in how many ways, पी ए और एस को कितनी बार अरेंज किया जा सकता, कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज बेटा, 2 × 7 व्हिच इज 14 वेज।
बात समझ में आ रही है, बिकॉज पी और एस को कितनी बार अरेंज किया जा सकता है, 7 बार। फिर हम एस और पी को जब देखेंगे तो उसको भी 7 बार हम उनकी पोजिशन चेंज कर सकते, वो ही हुआ 2 टाइम्स 7। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सच वर्ड्स, ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते, टोटल नंबर ऑफ सच वर्ड्स क्या हुआ बेटा, किसके बराबर, 14। समझ में आया, पी और एस के अरेंजमेंट्स मल्टीप्लाइड बाई रिमेनिंग 10, और 10 पी 10 होता है बेटा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 14, विच इज 2 फैक्टोरियल, तो आएगा 2 1 इज 2, 2 टाइम्स 7 आएगा 7 टाइम्स 10 9, 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। अब आप जब बेटा इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा बेटा 2 5 4 0 1 6 00। तो आप बेटा इतने वर्ड्स बना सकते हो, ऐसे वर्ड्स जब जिन वर्ड्स में पी और एस के बीच ऑलवेज कितने अल्फाबेट्स होंगे, 4 अल्फाबेट्स, किस को यूज करके, परमिटेशन वर्ड के अल्फाबेट्स को यूज करके। ये हो बेटा एक्सरसाइज 7.3 के सारे क्वेश्चंस। होप करता हूँ आपको समझ आया होगा, अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है, कहीं समझ ना आया हो तो वहाँ कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू।